सिंस मैम सुनिए है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। हैदराबाद मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी मच रहा है रेस का दंगल। जी हाँ, मैं रेस का दंगल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हंगामा हो रहा है फिल्म को लेकर। और सबसे बड़ी अभी तक की जो एडवांस ओपनिंग हुई है, जो बुकिंग चालू हुई है, वो दिल्ली की ही चालू हुई। जी हाँ, हैदराबाद में भी कुछ करीबन 7-8 थिएटर्स हैं और मुंबई में लगभग 2 थिएटर्स की एडवांस बुकिंग चालू हुई, लेकिन दिल्ली तो भैया कमाल की है। और आई थिंक दिल्ली में इसलिए तारीफ मैं कर रहा हूँ दिल्ली की एडवांस बुकिंग की, बाकी जगह सिर्फ एक एक दिन के हिसाब से एडवांस बुकिंग चालू है, सिर्फ 15 और 15 तारीख को, लेकिन दिल्ली में 15, 16, 17 इन तीनों तारीखों की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। चलिए बिना देरी करे आपको मैं बता देता हूँ कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। जी हाँ, ये रहा, ठीक है। तो ये 15, 16, 17, ठीक है, ये 17, ठीक है, एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। मैं थोड़ा सा चेहरा नीचे कर लेता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं दिखाने की ज़्यादा। यहाँ पर आपको ले चलता हूँ 15 तारीख के उसमें, ठीक है। 15 तारीख को सुबह 9 बजे से 9 बजे से आपको धमाका शुरू हो जाएगा, क्योंकि कहीं पर भी देखो तो 9 बजे से चालू हुआ, ठीक है। 350 टिकट प्राइस, 350 भाई साहब, 330, 280, 250, 220, 220, 220। फीलिंग फास्ट यहाँ पे तो भाई बुक होना भी चालू हो गया है शारदा मॉल में, ठीक है। फीलिंग फास्ट वो भी 480 की टिकट बुक होना चालू हो चुका है। जिस हिसाब से टिकट रेट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं भाई साहब, मैं आपको कह नहीं सकता हूँ कि फर्स्ट डे का कलेक्शंस कितना कमाल का होने वाला है। जी हाँ, 3D का इस फिल्म को पूरा फ़ायदा होने वाला है। सपोज़ मुझे 2 टिकट अगर लेने हैं, मैंने सिलेक्ट कर दूंगा, चलो यहाँ पर मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे पे करने पड़ेंगे 860 रुपीज़। जी हाँ, ये टिकट प्राइस है मुंबई के आई थिंक दिल्ली के शाहदरा थिएटर का, क्रॉस रिवर मॉल का, सिनेपोलिस, ठीक है। तो ये बहुत ही फटाफट यहाँ पे टिकट बुकिंग चालू हो चुकी है, देख सकते हैं टिकट लोग बुक कर रहे फटाफट, यानी कि जो ईद में धमाल होने के चांसेस पूरी तरह से हैं। मैंने शारदा का बताया, मैं आप बताऊँ प्रीतमपुरा का क्या हाल है फन सिनेमा का, यहाँ पे भी टिकट बुकिंग देखिए चालू हो चुकी है। बहुत ज़ोरों शोरों से चालू नहीं हुई है क्योंकि हाल ही में ये अपडेट हुआ है, हाल ही में टिकट बुकिंग विंडो स्टार्ट हुआ है। टर्म्स एंड कंडीशन नहीं चाहिए भाई हमको, सीधा टिकट बुकिंग चाहिए, ठीक है, वापस से टर्म्स एंड कंडीशन आना। चलिए ठीक है, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे भी टिकट बुकिंग देखिए चालू हो चुका है, लोग बुक करना चालू कर चुके हैं। आई थिंक ये सब भी टिकट लोग अभी बुक कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, ये सब पे देखो नंबर है, मे भी बुक करते होंगे, यानी कि बुकिंग चालू हो चुकी है भैया। जिसको जिसको बुक करना है बुक कर लो। ये लक्ष्मी नगर के मैं बताता हूँ, देखिए टिकट बुकिंग भैया चालू हो चुकी है कुछ ही घंटों के अंदर, आई थिंक मे भी मिनटों के अंदर टिकट बुकिंग भैया चालू हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, ये 15 तारीख का ही मैं बता रहा हूँ, 16-17 का भी कुछ इसी तरह से हाल रहेगा। एक साकेत का बता दो। जी हाँ, यहाँ पे भी टिकट बुकिंग बहुत तेज़ी चालू है और 425 रुपये टिकट है एक टिकट का प्राइस का, फिर भी लोग बुक कर रहे हैं। ये कमाल का है, ये बहुत कमाल की फिल्म होने वाली है, यानी कि ये फिल्म अगर चल गई तो भैया लॉटरी निकल जाएगी। और वैसे भी जो थिएटर मालिक है वो वेट कर रहे हैं और उन्हें पता है ये फिल्म कमाल करने वाली है। और आपको जो भी टिकट रेट्स बताया मैंने हिंदी का बताया, वो भी 3D, जी हाँ 3D यहाँ पे लिखा है, तो 3D में ये टिकट के प्राइस जो है वो काफ़ी बढ़िया है। और ये टिकट के प्राइस के हिसाब से ये फिल्म का जो कलेक्शन हुआ, देखिए 480 तक एक टिकट के प्राइस गए हैं, ठीक है। ये सिर्फ टिकट प्राइस है, इसमें GST वगैरह और लगेगा तो और बढ़ जाएंगे थोड़े, लेकिन मैं इतना साफ कह रहा हूँ कि ये टिकट के प्राइस के हिसाब से ये फिल्म तो बहुत बढ़िया कलेक्शंस करने वाली है। और जिन किसी को अभी भी डाउट है कि ये 300 करोड़ करेगी कि नहीं, तो भैया वापस से एक बार सोच लीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक के जो भी मेरे प्रेडिक्शन हो, जो भी रिस्पॉन्स हो, मैंने 300 करोड़ के नीचे बात ही नहीं की है। क्योंकि ये फिल्म में अगर स्टोरी थोड़ी बहुत भी ढंग की हो, जैसे हमें पता चल रहा है, तो ये फिल्म सोने पर सुहागा करने वाली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल इतना ही।